चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बहुचर्चित गधों के गायब होने का मामला अब दो थानों के सीमा क्षेत्र में उलझ कर रह गया है। पुलिस दूसरे थाना क्षेत्र का मामला बताकर एफआईआर नहीं लिख रही है, जिसके चलते मंगलवार को सीएम पीड़ित सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर की जन सुनवाई में 25 गधों के चोरी होने का आवेदन लेकर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनके गधों को ढूंढा जाए। थाने में पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। बुरहानपुर में 25 जुलाई की रात को अलग अलग घरों से 25 गधे छूट कर कहीं चले गए थे। उस दिन बारिश भी काफी तेज हो रही थी, इस वजह से गधा मालिकों ने ढूंढा नहीं। दूसरे दिन जब मालिकों ने इनकी खोजबीन शुरू की तो कहीं कुछ नहीं पता चला। इसके बाद सभी सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और गधों के गुम होने का आवेदन दिया। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी में आवेदन लेकर जल्द से जल्द गधों को ढूंढने का आश्वासन दिया। हमारे गधे चोरी हो गए हैं, गुरुवार के दिन से हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे। सिटी कोतवाली को हमने ढूंढा तो वहाँ पे एक कैमरे में बच्ची दिखे खाली, वहाँ पे गधे है नहीं। हम उनको उन्होंने हमको वहाँ भेजा सिक्का बढ़ाने पे, सिक्का बढ़ाने वाले बोल रहे तुम वहाँ जाओ, तो हम कलेक्टर ऑफिस पे आए, कलेक्टर ऑफिस पे से आए एसपी मिलना है भैया। रिपोर्ट नहीं लिया दोनों जगह नहीं ले रहे। आगे से पाली बाजार सनवारा वहाँ से चोरी गए, वहाँ पे हमने कैमरा खंगाला तो दो गधे मिले और बच्ची मिले बस। हाँ इस साथ के पास रिपोर्ट नहीं ली उन्होंने, रिपोर्ट ही नहीं आ रही। वो थाने भी आते थाने भेज रहे, वो थाने भी आते थाने भेज रहे। हम आवेदन प्राप्त हुआ, आवेदन में कार्रवाई के लिए चूंकि पुलिस से संबंधित कार्रवाई करना है तो अभी जो आवेदन आया इसको हम विधिवत एसपी साहब के पास भेज देंगे।